भिलाई में विदेशी नोट एक्सचेंज करने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। पकड़े गए सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और मुख्य आरोपी कपड़ा बेचने के लिए बुलाया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से मलेशिया के 9 नोट बरामद किए हैं। दरअसल भिलाई के रहने वाले एक कपड़ा व्यापारी ने मलेशिया की करेंसी बदलने के नाम पर 3,50,000 की ठगी कर ली। आरोपी ठगी दुकान पर सामान लेने पहुंचे, जिसके बाद दुकानदार राजू जैन को ठगों ने 50 रुपए का मलेशियाई नोट दिया। फिर शातिर ठगों ने पीड़ित को बताया कि उनके पास 3,50,000 के मलेशियाई के नोट है, जिसे हिंदुस्तानी नोटों में बदलना है। नोट बदली करवा दिए जाएंगे तो इसके बदले राजू जैन को कमीशन भी दिया जाएगा। कमीशन के लालच में पार्थी ने 3,50,000 रुपए नकद दे दिए और मलेशिया नोटों से भरा हुआ बैग ले लिया। जब घर पहुंचकर पीड़ित ने बैग खोला तो बैग में कागज की गज्जिया भरी हुई थी, जिसके बाद व्यवसायी राजू जैन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। तीन आरोपी आए हुए थे जो हमारे प्रार्थी विजय जैन को मलेशियन करेंसी एक्सचेंज करने की बात कहकर 3,50,000 रुपए की ठगी कर लिया था इन्होंने। 3,50,000 रुपए इन्होंने इंडियन करेंसी ले लिया और इनके नेटिव प्लेस से, वहाँ नेटिव प्लेस में जो भी थाना है वहाँ से हम पत्र जारी करके इस बारे में जानकारी लेंगे।